हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वेलकम टू RNC नर्सिंग एकेडमी। तो आज अपन डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल के जो जनरल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं जनरली प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, एंड स्किल टेस्ट के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। स्किल टेस्ट में सबसे पहले आपको इसके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे आईवी कैनुलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। कैनुला, तो आप अगर हॉस्पिटल में काम करते हो तो आपने कैनुला के बारे में सुना होगा या आपने लगाए भी होंगे कैनुले के बारे में। तो मोस्ट ऑफ जो यूज़ करते हैं कैनुले के बारे में, जो जो क्वेश्चन बनते हैं हर चीज़ में बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो कैनुला यूज़ वेनस एक्सेस के लिए करते हैं। वेनस मतलब कोई भी फ्लूड देना है या कोई भी प्रोडक्ट, लिक्विड प्रोडक्ट देना है तो अपन कैनुला का यूज़ किया जाता है। जैसे ब्लड प्रोडक्ट हो गया, IV फ्लूड्स हो गया, NSRL। तो अपन साइज़ के अकॉर्डिंग, गॉज के अकॉर्डिंग इसमें डिस्कस करेंगे। तो दिल्ली एम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन है, तो इसमें अपन देख सकते हैं साइज़ में 14, सबसे 14 से लेके 26 गॉज तक के नंबर के कैनुले आते हैं। अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग कैनुले आते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं 14 गॉज का कैनुला आता है वो होता है ऑरेंज कलर का। 16 गॉज का जो कैनुला होता है वो होता है ग्रे कलर का। एंड एक आता है 17 गॉज का, वो होता है वाइट कलर का। 18 गॉज का आता है ग्रीन कलर का। 20 गॉज का आता है पिंक कलर का। 22 गॉज का आता है ब्लू कलर का। एंड 24 येलो कलर का आता है। एंड 26 का आता है पिंक पर्पल कलर का। तो अब इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे इसके यूजेस, कैनुला के यूजेस। तो इसमें यूजेस में आप देख सकते हैं 26 जो गॉज का होता है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है न्यू बॉर्न एंड न्यूनेट्स बच्चों के अंदर यूज़ किया जाता है। जो 24 गॉज का होता है वो होता है न्यूनेट्स एंड इन्फेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। चिल्ड्रन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर, जिनके अंदर पतली अगर वेन होती है उसके अंदर। नेक्स्ट जो 22 गॉज का होता है वो होता है एडल्ट के अंदर यूज़ करते हैं, और चिल्ड्रन के अंदर जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं उसके अंदर यूज़ करते हैं। एंड 20 गॉज का जो होता है वो तो पिंक कलर का जो होता है उसमें ओल्ड एज एंड नॉर्मल IV थेरेपी में यूज़ किया जाता है। 18 गॉज जो होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, मोस्ट ऑफ 18 गॉज का। ट्रोमा एक्सीडेंटल केसेस एंड सर्जरी इन एडल्ट, एडल्ट के अंदर 18 गॉज का यूज़ करते हैं। 17 गॉज का होता है वो होता है लार्ज क्वांटिटी फ्लूड के अंदर यूज किया जाता है। एंड 16 गॉज का होता है वो होता है डायलिसिस एंड ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेट करते हैं अपन उस टाइम 16 गॉज का कैनुला यूज़ किया जाता है। 14 गॉज का होता है, सिग्रेशन ऑफ ब्लड एंड CABG कोरोनरी आर्टरी ब्लड, कोरोनरी आर्टरी ब्लड ग्राफ्टिंग करते हैं, जो CABG करते हैं उसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसकी फुल फॉर्म में कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग होता है। नेक्स्ट इसमें सक्शन कैथेटर, अब सक्शन कैथेटर से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जो सक्शन कैथेटर का यूज़ बॉडी सिक्रेशंस, म्यूकस एंड सलाइवा को रिमूव करते हैं करने के लिए काम में ले जाता है। जो रेस्पिरेशन के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो सक्शन का यूज़ किया जाता है। तो सक्शन मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बनता है सक्शन का ड्यूरेशन क्या होता है, तो जनरली सक्शन का ड्यूरेशन होता है 5, नॉट मोर देन 10 सेकेंड, लेस देन 10 सेकेंड तक सक्शन किया जाता है सक्शन। अब इसके बारे में और सक्शन में कौन कौन से साइज अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग सक्शन यूज़ किया जाता है। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, तो ये नंबर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसमें। अब यूजेस सक्शन के जो मोस्ट ऑफ कैथेटर यूज होते हैं वो होते हैं 6 to 8 फ्रेंच का जो कैथेटर होता है वो होता है न्यू बॉर्न और इन्फेंट में यूज़ किया जाता है। 10 to 12 फ्रेंच का होता है वो चिल्ड्रन के अंदर, 12 to 16 फ्रेंच का होता है वो यंग एडल्ट के अंदर, एंड 14 to 18 जो होता है ओल्डर एडल्ट के अंदर सक्शन का यूज़ किया जाता है। तो सक्शन के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। एंड नेक्स्ट जो है
ट्यूब वो है सनस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। आपने नाम सुना भी होगा और एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगर आपने दिल्ली एम्स का दिया हुआ क्वेश्चन एग्ज़ाम है तो उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो अगर इसोफेजियल वेरेसिस होता है तो उसके अंदर कौन सा कैथेटर यूज़ करते हैं, तो सनस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब यूज़ किया जाता है। यह एक थ्री वे कैथेटर होता है जिसमें आप देख सकते हैं थ्री वे कैथेटर है, वन थ्री लुमेन होते हैं इसके अंदर मोस्ट ऑफ, और इसमें बलून पाए जाते हैं, जिसमें बलून पाए जाते दो दो बलून होते हैं इसके अंदर, एक इसोफेगस से नीचे रहता है स्टोमक साइड में और एक इसोफेगस के अंदर रहता है। तो ये इसोफेगस ब्लीडिंग को रोकता है, जिसमें एक बलून इसोफेगस में रहता है, दूसरा स्टोमक में रहता है। इन्फ्लेट बलून का उपयोग करके वेरिस ब्लीडिंग को कम करने का काम किया जाता है सनस्टेकन ब्लॉक। अब इसमें एक जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पेशेंट सनस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब पे होता है तो उसके बेड साइड क्या रखना चाहिए, और अगर पेशेंट ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है पेशेंट को, अगर इस कंडीशन में ट्यूब लगी हुई है तो उस कंडीशन में नर्स की क्या प्रायोरिटी रहेगी, तो कट ट्यूब कट एंड रिमूव इज द नेक्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और उसके बेड साइड क्या रहेगा, तो सीजर रखते हैं जब पेशेंट सनस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब पे होता है। नेक्स्ट स्वामगंज कैथेटर, ये भी आपने सुना होगा, डिस्क्रिप्शन पल्मोनरी आर्टरी में पीए प्रेशर चेक करते हैं पल्मोनरी आर्टरी में, एंड कैथेटराइज ऑफ राइट हार्ट, राइट साइड हार्ट के अंदर कैथेटराइज किया जाता है, साइड कैथेटराइजेशन, साइट ऑफ इंसर्शन, तो कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है लार्ज वेन में, इंसर्ट करते हैं जैसे इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन होती है नेक में, एंड सब क्लेवियन वेन होती है जो क्लेविकल के पास में होती है, और फिमोरल वेन होती है, इन तीनों के अंदर यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ। तो यूज़ टू मेजर्स पल्मोनरी आर्टरी वेट्स प्रेशर, पीए प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है सनस्टेकन ब्लैकमोर, सॉरी स्वानगंज कैथेटर। पूछा जाता है पीए प्रेशर के लिए कौन सा कैथेटर यूज़ किया जाता है, स्वानगंज कैथेटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या फीडिंग ट्यूब, या इसको बोला जाता है रायल्स ट्यूब भी बोला जाता है, तो आपको याद रखना है। इस ट्यूब को स्टोमक में नोस्टिल्स के माध्यम से प्रवेश करवाते हैं, ऑल्सो यूज इन गैस्ट्रिक लेवास, की मेडिकेशन एंड न्यूट्रिशनल लिक्विड डाइट के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो रायल्स ट्यूब अलग अलग एज ग्रुप के अंदर अलग अलग यूज़ की जाती है, ग्रीन ब्लू ब्लैक वाइट सब, ऑरेंज रेड येलो ये सब यूज़ की जाती है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, जनरली क्वेश्चन और बनता है रायल्स ट्यूब से रिलेटेड, मैं बता देता हूँ आपको साथ ही साथ। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है रायल्स ट्यूब डालने का जो पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी, जब पेशेंट रायल्स ट्यूब डालते हैं तो पेशेंट की क्या पोजीशन रहेगी, तो पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन में रायल्स टाइप रायल्स ट्यूब जो होती वो इंसर्ट करवाई जाती है। देन अगर पेशेंट फीडिंग पे होता है, अगर पेशेंट फीडिंग प्रोवाइड करते हैं तो पहले प्लेसमेंट को चेक करना है, उसके बाद में पेशेंट को सेमी फाउलर पोजिशन में फीडिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ जाते हैं। अब फॉलीज कैथेटर, फॉलीज कैथेटर में आप देख सकते हैं ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो लैटेक्स लैटेक्स की बनी होती है, रबड़ की एंड सिलिकॉन एवं पॉलीयूरेथ्रल से मिलकर बनी होती है। इसे यूरेथ्रा के द्वारा ब्लैडर में इंसर्ट करवाते हैं, इसमें टू लुमेन पाई जाती हैं एंड थ्री लुमेन भी होती है, टू लुमेन भी होती है, एक यूरिन ड्रेन के लिए एंड दूसरी लुमेन इसमें पाए जाने वाले बलून से जुड़े होते हैं। तो ये आप फॉलीज कैथेटर देख सकते हैं, स्किल टेस्ट में पूछे जाते हैं। ये जो लुमेन होता है वो सीरिन से अपन 10 ml NaCl या डिस्टिल वाटर पुश करके बलून को फुलाते हैं, और ये जो होता है इससे यूरेथ्रल जो ड्रेन होता है यूरिन ड्रेन वो ब्लेडर कनेक्ट किया जाता है। तो इसमें बलून को फुलाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, एंड जो ब्लेडर में एक जगह फिक्स करते हैं। अब फिक्स करने का जो एग्जाम में पूछा जाता है फिक्स कहाँ पे करते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप रहेगी अपर थाई पे फिक्स करते हैं,
और नहीं तो अगर इसके अगर ये अगर ऑप्शन में नहीं हो तो इंटरनल साइड में, लेटरल साइड, मतलब इंटरनल लेटरल साइड में इसको फिक्स किया जाता है। अब यूज टेन टू ट्वेल्व फ्रेंच के कैथेटर चिल्ड्रन में यूज़ किया जाता है, 16 to 18 फ्रेंच के कैथेटर मेल के अंदर यूज किया जाता है, अब 14 to 16 फ्रेंच के अंदर एडल्ट फीमेल में यूज़ किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर 12 फ्रेंच का कैथेटर थे, इसका इंटरनल डायमीटर क्या होगा, तो आपको इंटरनल डायमीटर निकालने का प्रोसेस आना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, तो इसका जैसे 12 फ्रेंच का इंटरनल डायमीटर होगा 4 mm। अब 4 mm कैसे आया, तो आपको याद रखना है कि 3 फ्रेंच इक्वल टू 3 फ्रेंच इक्वल टू 1 mm। तो ऐसे आपको निकालना है, जैसे 12 फ्रेंच का है तो 4 mm आ जाएगा, ऐसे आपको निकालते रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट थ्री वे कैथेटर होता है, थ्री वे यूनरी कैथेटर होता है। इसमें 3 लुमेन पाई जाती हैं, यूनरी ड्रेनेज के लिए बलून को इन्फ्लेट करते हैं। इसमें ब्लेडर को इरिगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। 3 लुमेन का मेन बेसिक जो पर्पज़ होता है वो होता है इसको यूरिन जो ड्रेनेज होता है, यूरिन को इरिगेट वॉश वॉश आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे रिनल कैलकुलाई का पेशेंट है या ऐसे कोई पेशेंट है जिसको ब्लड क्लॉट्स अंदर हैं, अगर यूरिन ब्लेडर के अंदर, तो उसको वॉश आउट करने के लिए अपन एक तरफ से NS कनेक्ट करते हैं और एक तरफ से ब्लेडर कनेक्ट करते हैं, मतलब जो बैग होता है वो, और एक तरह से अपन वो बलून को फुलाते हैं। तो ये 3 लुमेन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेलकॉट कैथेटर, सुना होगा आपने नाम, इसे मशरूम कैथेटर के नाम से भी जानते हैं। ये इसकी ठीक टिप पर मशरूम और फ्लोवर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, यही इसे ब्लडर में स्थिर बनाए रखने में मदद करती हैं। इसे रेनल पेल्विस में नेफ्रोस्टोमी ड्रेनेज के लिए यूज़ करता है, तो आप वो याद रखना है, एग्जाम में अंदर क्वेश्चन पूछ रहे थे नेफ्रोस्टोमी में कौन से कैथेटर यूज़ करते हैं, तो मेलकॉट कैथेटर है। इसकी पहचान आप देख सकते हैं, इस टाइप का इसका जो मुंह होता है वो ऐसा होता है, परकुटेनियस रूट से भी रखते हैं इसका ड्रेनेज, एंड पोस्ट रेनल एंड ब्लडर इंजुरी इसमें यूज किया जाता है मेलकॉट कैथेटर। अब है सुब्रा प्यूबिक कैथेटर। अब जिनके अंदर पेशेंट के अंदर अगर यूरेथ्रल जो रूट होता है उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो अपन पेशेंट के अंदर क्या किया जाता है, सुप्रा प्यूबिक कैथेटर लगाया जाता है, मतलब यूरिन जो ब्लेडर होता है उसका ऊपर, मतलब आउटर उसको छेद करके ओपनिंग करके उसमें कैथेटर यूज़ किया जाता है। इस कैथेटर को एब्डोमन पर अम्बिलिकस के नीचे की तरफ इंसिजन लगाकर इंसर्ट किया जाता है, सुप्रा प्यूबिक कैथेटर K90। तो K90 मोस्ट ऑफ इसका यूज़ सिंगल टाइम यूरिन ड्रेनेज के लिए यूज किया जाता है, वन टाइम पास आउट यूरिन के लिए किया जाता है K90। सिलिकॉन कैथेटर। अब सिलिकॉन कैथेटर होता है, यह रबर की तरह कैथेटर होता है, तुलना में यूरिनरी म्यूकोसा को कम इरिटेट करता है, और यह लॉन्ग टर्म पेशेंट के लिए रबर कैथेटर की तुलना में ज़्यादा किफ़ायती होता है। मतलब कि जब जो लेटेक्स का कैथेटर होता है उसको अपन 20 डेज ही यूज़ कर सकते हैं, 20 डेज तक, उसके बाद में उसको रिमूव करना पड़ता है। अब जो सिलिकॉन का जो कैथेटर होता है उसको अपन 90 डेज तक रख सकते हैं पेशेंट के अंदर, तो ये इतना किफ़ायती होता है, काफ़ी थोड़ा बहुत कॉस्टली भी होता है। नेक्स्ट गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, PEG बोला जाता है जिसको, गैस्ट्रोस्टोमी, गैस्ट्रोस्टोमी, टॉमी मीन्स ओपनिंग, तो PEG ट्यूब, परकुटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी, यह एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसको एब्डोमिनल वॉल से स्टोमक में इंसर्ट किया जाता है। PEG ट्यूब स्टोमक में फ्लूड और मेडिकेशंस डायरेक्टली दे सकते हैं, जो डायरेक्ट ओपनिंग करके यूज किया जाता है, गैस्ट्रोस्टॉमी, टॉमिक मीन्स ओपनिंग और एक्टॉमी मीन्स रिमूवल। टी ट्यूब इसका यूज़ गॉल ब्लेडर की सर्जरी में करते हैं, इसको कॉमन बाइल डक्ट में प्लेस किया जाता है, इसका यूज़ बाइल को ड्रेन करने में करते हैं।
तो टी ट्यूब मोस्ट ऑफ पूछा जाता है, टी ट्यूब किसके लिए यूज़ करते हैं या कौन सी सर्जरी में, तो कॉलीलिथेसिस की सर्जरी में यूज़ किया जाता है टी ट्यूब, बाइल को ड्रेन कराने के लिए, या कॉलीसेक्टॉमी में यूज़ किया जाता है टी ट्यूब का। फ्लैटस ट्यूब, फ्लैटस ट्यूब टू रिमूव फ्लैटस, जो गैसेस डिस्टेंशन एब्डोमेन के अंदर अगर गैस भर जाती है पेट के अंदर तो उसको रिमूव करने के लिए फ्लैटस ट्यूब का यूज़ किया जाता है। म्यूकस एक्सट्रेटर, साथ ही साथ आप डायग्राम भी देख सकते हैं जो एग्ज़ाम में आजकल इसका ही ट्रेंड चल रहा है, डायग्राम पूछा जाता है और मैं इसके साथ में यूजेज भी बता रहा हूँ, तो आपको बता के चलना है इसका यूज सक्शन मशीन से माउथ एवं थ्रोट में से सिक्रेशन हटाने के लिए करते हैं, म्यूकस एक्सट्रेटर। नेक्स्ट ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, इस ट्यूब को नेक पर इंसिजन लगाकर डायरेक्टली ट्रेकिया में इंसर्ट करवाते हैं। प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन, अपर एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन, अगर अपर वे ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का यूज करता है। इसके पार्ट्स के बारे में पूछा जाता है तो इसको अंदर इंसर्ट किया जाता है, इस पार्ट को ट्रेकियो, इसके जो पार्ट्स नाम देख सकते हैं आप, ट्रेकियोस्टोमी टाई होती है ये जो इन्फ्लेट ट्यूब होती है, ये कफ होता है और ये हॉलो इनर कैनुला होते हैं, ये इनर कैनुला होता है जिनको टाइम टाइम पे अपन को स्टेराइल करना पड़ता है, वॉश आउट करना पड़ता है, और ये ट्रेकियोस्टोमी ये स्ट्रेप होती है जो गले के अराउंड अपन इसको बांधते हैं और फिक्स करते हैं। तो ये पूरी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होती है जिसको आर्टिफिशियल ओपनिंग करके पेशेंट को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। तो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है तब उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब परमानेंट भी होती है और टेम्परेली भी होती है, 14 डेज करते हैं तो टेम्परेली होते हैं और 21 डेज करते हैं तो टेम्परेली होते, मोर देन 21 डेज रखते हैं तो परमानेंट में आती है। नेक्स्ट एंडोट्रेकियल ट्यूब, ये एक शॉर्ट टाइम अच्छा प्रोसीजर होता है, इस ट्यूब को माउथ के द्वारा ट्रेकिया में इंसर्ट करवाते हैं, एस्टैब्लिश है एंड मेंटेन पेशेंट एयरवे, एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है ट्रेकियो जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है वो। इसमें ये बलून होता है जो कफ होता है और ये पायलट बलून होता है और मॉर्फी आई भी होती है। तो ये पूरी ट्रेकियो अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग यूज़ किया जाता है, जैसे 3 to 8 mm की साइज़ आती है इसमें टोटल, तो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग यूज़ की जाती है एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंड लैरिंगोस्कोप, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है लैरिंगोस्कोप। मैकिंटोस, मैकिंटोस से आप देखते हैं ये एडल्ट के अंदर यूज होती है मैकिंटोस, जो कर्व होती है कर्व ब्लेड, इसमें अलग अलग साइज होती है जैसे 0 से लगाकर 4 mm तक होती है, और दूसरी होती है मिलर जो चिल्ड्रन के अंदर यूज़ करते हैं, जो स्ट्रेट होती है ये बच्चों के अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लैरिंजियल मास एयरवे, लैरिंजियल मास एयरवे बोला जाता है इसको, ये मास एमरजेंसी में उस वक्त काम में लेते हैं जब पेशेंट में एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन ना हो पाए, पेशेंट एंडोट्रेकियल इंट्यूबेट नहीं होता तब इसका यूज़ किया जाता है टू क्रिएट अ पेटेंट एयरवे किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं अच्छी वीडियो आपके लिए और लेके आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।